पीथमपुर औद्योगिक नगरी के सेक्टर नंबर 1 वार्ड क्रमांक 10 और वार्ड क्रमांक 11 में अतिथियों, वार्ड के पार्षदों तथा नगर के गणमान्य नागरिकों की गरिमामय उपस्थिति में पूजन पाठ कर डामरीकरण रोड का शुभारंभ किया गया। लगभग 34 लाख की लागत से बनने वाले डामरीकरण रोड से वार्ड वासियों को अच्छे रोड की सुविधा मिलेगी। लंबे समय से वार्ड वासियों की मांग थी कि वार्ड 10 एवं 11 में डामरीकरण रोड बनाया जाए। दोनों ही वार्ड के पार्षद द्वारा नगरपालिका अध्यक्ष श्रीमती कविता संजय वैष्णव के समक्ष मांग रखी गई, जिसे सहज स्वीकार कर रोड बनाने का परिषद में प्रस्ताव पास किया गया। इस अवसर पर नगरपालिका अध्यक्ष श्रीमती कविता संजय वैष्णव, विधायक प्रतिनिधि संजय वैष्णव का आभार प्रकट किया। पीथमपुर से संजय सोनगरा की रिपोर्ट। आज बड़ा हर्ष का दिन है कि वार्ड क्रमांक 10 और 11 में डामरीकरण का कार्य किया जा रहा है। इसी प्रकार 31 वार्डों में तेज गति से विकास कार्य चल रहा है। श्रीमती कविता जी वैष्णव जी के द्वारा और श्रीमती नीलम वर्मा जी के मार्गदर्शन से मैं आप सब नगरवासियों को बधाई देता हूँ। धन्यवाद। आपका नाम और पता? गणेश यादव, भारतीय जनता पार्टी नगर अध्यक्ष, पीथमपुर। आज बड़ा खुशी का दिन है कि हमारे नगर पालिका अध्यक्ष महोदय के द्वारा विकास कार्य की गंगा बहाई जा रही है। इसलिए मैं कविता संजय वैष्णव जी का और सभापति सुमानजी जायसवाल का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार कि वो विकास का मंडल अध्यक्ष गणेश जी जायसवाल का, जिनके नेतृत्व में ये विकास कार्य चल रहे हैं और ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी सभी 31 वार्डों में विकास की गंगा बहाए और आगे बहाती रहे। आपका नाम? बालाराम मीणा, वार्ड नंबर 11। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।